हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्केच वेयर प्रो में जो ऐप बनाने वाले हैं उसका थर्ड पार्ट हम आज बनाने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो पार्ट बना कर रखे हैं। जो भी दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमने जो ऐप पहले से बना के रखा है वो किस तरह से नज़र आता है, किस तरह से दिखता है, मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, ये वही ऐप है, वॉलपेपर ऐप। चलो मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए किस तरह से हमने बनाया है। यहाँ पे देखिए 4K हैगी, मतलब यहाँ पर टॉप वाल पेपर बोल के आ रहा है, और यहाँ पर हमने सेकेंड स्क्रीन पर यहाँ पर थोड़े बहुत ऐसा कलर के इमेजेस पेजेस बना के हमने रखे है। तो हम थर्ड पार्ट में हम यही बताएंगे कि ये जो पेजेस है, ये पेजेस के ऊपर हम HD वॉलपेपर कैसे ऐड करेंगे। तो हम इसी के ऊपर हम आज इस ऐप के अंदर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। अगर आप लोग ऐप बनाना चाहते हैं, ऐप बना के सीखना चाहते हैं, तो आप लोग इसको बगैर स्किप करके पूरा शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर जब आप ऐप बनाने जाएंगे, अगर आप स्किप करके देखते रहेंगे तो आपके ऐप के अंदर एरर आ सकता है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग फिर कमांड करेंगे कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, इसीलिए मैं जिस तरह से आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ, उसी तरह से आप लोग इस वीडियो पर बने रहे पूरा अंत तक। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो हम इसको पूरा बैक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए, ये इसके ऊपर जो वॉलपेपर हमें लगाना है, HD वॉलपेपर जो लगाना है, इसके लिए आपको तीन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, वो तीन एप्लीकेशन आपको कहाँ पर मिलेंगे? प्ले स्टोर में जाके आपको वो तीन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसके अंदर जो वॉलपेपर्स सेट करना है वो तीन एप्लीकेशन से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ऐप हम यहाँ पे लिखेंगे पिक्सल लैब ऐप के अंदर हमें जाना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये पिक्सल ऐप है, ये ऐप है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इसके रेटिंग है 4.2 रेटिंग है, और यहाँ पे देखिए इसके डाउनलोडर्स 10 करोड़ प्लस इसके डाउनलोडर्स है। बहुत अच्छा ऐप है ये। यहाँ पे देखिए इसके पूरे स्क्रीनशॉट आपको नज़र आएंगे। तो चलिए, हम ऑलरेडी हमने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है, ये ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद सेकेंड ऐप हम डाउनलोड करेंगे, इमेज सर्च। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इमेज सर्च के हम आ चुके हैं। इसकी रेटिंग यहाँ पे देखिए 4.4 रेटिंग है, और यहाँ पे देखिए इसके डाउनलोड्स 1 करोड़ इसके डाउनलोडर्स है। तो ये ऐप हमें डाउनलोड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऐप है, इसका आइकॉन ये है, तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए इसके सारे के सारे स्क्रीन शॉट है। यहाँ से हम आपको इसकी इमेजेस को हम सर्च करके इजीली हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया दूसरा ऐप। तो अब हम तीसरा ऐप हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे लिखना है अपने को ब्लर फोटो एडिटर। तो देखिए यहाँ पे ब्लर फोटो एडिटर हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ऐप को हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखिए, इस ऐप को 1 करोड़ डाउनलोडर्स है, और इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.2 इसकी रेटिंग है। तो चलिए हम इसको फॉर्मली इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा ऐप इंस्टॉल हो रहा है। डाउनलोडिंग हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा ये भी ऐप इंस्टॉल हो चुका है। तो हम चले जाते हैं बैक। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारे तीनों ऐप आ चुके हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इमेज सर्च पे जाएंगे। इमेज सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे सर्च करेंगे HD वॉलपेपर।
यहाँ पे देखिए एक से एक एच डी वॉलपेपर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमें एच डी वॉलपेपर्स चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको टिक करते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसको डाउनलोड करना किस तरह से डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का एक ऑप्शन दे रहा है नीचे, इसके ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है, हमारा ये वॉलपेपर डाउनलोड हो गया है। तो इसी तरह से हम और बहुत सारे पेजेस हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके बाद हमें जाना है ब्लर, फ़ोटो ब्लर में हमें जाना है। यहाँ पे जो परमिशन पूछता है उसको हम दे देंगे। यहाँ पे एडिट में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर पे सेलेक्ट करेंगे और क्या करना है हमें यहाँ पे देखिए इस पिक्चर का भी हमने जो बनाया है उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे फुल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखो तो फ्रेंड यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए लास्ट में अपने को ये दिख रहा है कम ज़्यादा करने का, तो हम यहाँ पर ला के ये जो अपना इमेज है उसको हम पूरा ब्लर कर देंगे। यहाँ पर देखिए ब्लर हो रहा है, यहाँ पर देखिए कलर आ रहा है लेकिन छोड़ने के बाद कलर चले जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हम सारी की सारी फ़ोटो को हम इस तरह से ब्लर कर देंगे। देखिए हमारी सारी फ़ोटो ब्लर हो चुकी है, देखिए पूरी सारी की सारी फ़ोटो ब्लर हो चुकी है। अब हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पे एक ऐड आएगा, ऐड आने के बाद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आ चुका है सेव, हमारी फ़ोटो हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं पिक्सल लैब में। यहाँ पे देखिए हमारा पिक्सल लैब ओपन हो चुका है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड गौर से देखिए, आप लोग इसकी मत कीजिए यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए थ्री डॉट ऊपर दिख रहा है, इसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इमेज साइज पे टिक करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें इसको क्या करना है, यूट्यूब चैनल बैनर ये अपने को ले लेना है। इसके बाद जो दिख रहा है विड 2560, इसको क्या करना है यहाँ से हमें कट कर लेना है। एक बार अच्छे से इसको देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो दिख रहा है 1440, इसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, इसको कट कर देना है और जो हमने यहाँ से कट किया था विड में से इसको सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे वॉलपेपर का साइज़ जो अपना मोबाइल का स्क्रीन होता है वो साइज़ का यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमें देखिए अभी हमने जो फ़ोटो को ब्लर किया था वो फ़ोटो को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो हमने अभी ब्लर किया था उसको हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से लेकर इसको क्या करेंगे, फुल स्क्रीन यहाँ पर कर लेंगे। तो फिर इस तरह से आपको करना है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे शेप पे हम टिक करेंगे, जो शेप यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे तरह तरह के शेप्स नज़र आएंगे। यहाँ पे देखिए इस शेप को आपको लेना है, लेने के बाद यहाँ पे ऊपर रख देना है। रख दे के इसको थोड़ा अपने हिसाब से यहाँ पे बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसका यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ रहेगा, इसको आप क्या करेंगे 20 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ 20 हम कर लेंगे। कर लेने के बाद इसको ओके कर देंगे। इसके बाद करना क्या है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हम इसको टिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेंटर में हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद टेक्सचर का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा, टेक्सचर पे हम टिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। हमने जो पहले फ़ोटो जो डाउनलोड किया था इमेज सर्च के ऊपर से, उस फ़ोटो को हम यहाँ पर ले लेंगे। ले लेके क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसको इतना आधा कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, इस फ़ोटो को हम थोड़ा कम कर लेंगे, रहने दो जितना है उतना ही रहने दो। ठीक है, हम इसको यहाँ पे सर्च कर लेके इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड नीचे ब्लर है, ऊपर मेन फ़ोटो है। ठीक है ना, दिख रहा है ना एकदम लॉजिक। तो इसी तरह से आप लोगों को करना है। उससे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ा रिलेटिव पॉजिटिव में जाके इसको सेंटर में कर देंगे। तो फिर यहाँ पे आ चुके हैं हम सेंटर में। तो ये फ़ोटो इस तरह से आपको जितने फ़ोटो चाहिए यहाँ पे उतने फ़ोटोज़ आप लोगों को इसी तरह से बना लेना है। बना लेने के बाद ये फ़ोटो को क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेके यहाँ इमेज पे सर्च कर लेके यहाँ पर देखिए अल्ट्रा में जाके सेव कर लेना है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम उन्हीं फ़ोटोओं को हम स्केचवर्क के सॉफ्टवेयर पर ऐड करेंगे। तो वो कैसे ऐड करेंगे आप लोग
स्किप मत कीजिए, ज़रा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को स्किप करने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और ऐप बनाने के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्केचवेयर प्रो में चलते हैं ऐप बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे तीन प्रोजेक्ट है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है पहला वाला प्रोजेक्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है स्केचवेयर का। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा ये मेन पेज है और टॉप पेज हमारा ये है। अभी मैंने आपको बताया था ऐप को ओपन करके ये वही था। तो हमें यहाँ पर किस तरह से इमेज को सेट करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे नीचे इसके पूरे सारे कमांड्स आ जाएंगे। इसके बाद हमें लेफ्ट साइड में लेना है, यहाँ पर देखिए आपको बैकग्राउंड रिसोर्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा, इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने अभी कोई आइकॉन यहाँ पर नहीं डाला है, तो चलिए हम यहाँ पे हम आइकॉन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हमें कहाँ पर जाना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे हमें जाना है, यहाँ पे हमें इमेज पे सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस के ऊपर टिक करना है, यहाँ पे ऐड इमेज, यहाँ पे देखिए ऐड इमेज पे टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे फ़ोटो आ चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम हम कट करके IMG इमेज वन हम यहाँ पर लिख देंगे, सेव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इमेज यहाँ पर आ चुकी है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, बैक जाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो किस तरह से यहाँ पर हम ऐड करते हैं वॉलपेपर को। तो यहाँ पे देखिए फिर हमें जाना है बैकग्राउंड रिसोर्स में, यहाँ पे देखिए हमारा आइकॉन यहाँ पर आ चुका है, हम इसके ऊपर टिक करेंगे, टिक करके सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पर हमारा आइकॉन जो हमारा वॉलपेपर है यहाँ पर सेट हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पर और सारे वॉलपेपर सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम और इमेज यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अभी तो हमने एक इमेज को हम ऐड की है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में राइट साइड में माय कलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पर हम मैंने बहुत सारे इमेजेस बना कर रखे हैं। हाँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे के सारे इमेजेस को यहाँ पे मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने इमेज को कलेक्ट कर लिया है, इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी 9 इमेजेस को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए नेम चेंज करने को बोल रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक इमेज को यहाँ पर डाल दिया था, तो 11 इमेज, तो मैं इसको लगाऊँगा 12 नंबर लगाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक इमेज को अपलोड किया था। यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे, अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने पूरे यहाँ पे राइड हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए सारे के सारे इमेजेस हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं वन बाय वन सारे के सारे इमेजेस को मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए हम बैक आ जाएंगे, यहाँ पर लोड ले रहा है, क्योंकि इमेजेस ज़्यादा है ना इसलिए लोड ले रहा है। आपको भी सेम इसी तरह से ही करना है, और यहाँ पर देखिए सारे के सारे इमेजेस इसी तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे मैंने 10 फ़ोटोज़ के इमेजेस लगाए, आप यहाँ पे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे सबको ऐड कर लूँगा, सेलेक्ट यहाँ पे देखिए आ चुका है। सेम इसको भी ऐसे कर लेंगे, ये आ चुका है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए सारे के सारे इमेजेस को इसी तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारे के सारे इमेजेस को मैंने यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। फिर इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे देखिए इसके बाद हम इसको ऐप को रन करके देखेंगे कि ये सारे के सारे इमेजेस जो हमने अभी बनाए हैं काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो चलिए हम इसको ऐप को रन करेंगे, ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड इसी तरह से सेम टू सेम इसी तरह से आप लोगों को काम करना है, इसी तरह से आप लोगों को ऐप को बनाना है, तो ये आपका ऐप बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा लोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वॉलपेपर डाउनलोड हो चुका है, अब हमें इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम डन कर लेंगे।
तो हम बैक जाएंगे, यहाँ पे दो आ चुके हैं। पहले वाला कौन सा है एक बार देखते हैं। ये हमारा पहले वाला पुराना वाला है, अब ये हमारा नया वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वेलकम पेज भी आ चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फाइनली हमारा यहाँ पे सारे के सारे वॉलपेपर्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने जो भी बनाए थे आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से आप लोगों को वॉलपेपर्स को एडिट करना है और इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। फोर्थ पार्ट में आपको इसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस को मैं बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। और स्केचवेयर पे किस तरह से काम करना है मैं आप लोगों को इसका पूरा जानकारी देते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फोर्थ पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद।